हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज से हम लोग हमारा नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो आइए हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा नया सब्जेक्ट। ये जो हमारा नया सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब्जेक्ट हमारा 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड रहेगा। आज से हम लोग हमारा पहला मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जो है उसका नाम है एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड रिसेंट ट्रेंड्स, जिसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एनर्जी ऑडिट की जनरल फिलोसॉफी क्या रहेगी, हमें क्यों एनर्जी ऑडिट और उसके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ गई, हमारा डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स देखने वाले हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट के। साथ साथ में कुछ हम लोग एनालिसिस भी सीखेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, और इस मॉड्यूल में हम लोग इसका रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे कि किस तरीके से एक एनर्जी कंजर्वेशन जो कंपनी होती है या फिर कोई इंजीनियर होता है वो रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से करता है। साथ साथ में कुछ केस स्टडीज भी देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर और उसका जो जनरल फिलॉसफी है कि किस तरीके से और क्यों हमें एनर्जी मैनेजमेंट और ऑडिट की जरूरत पड़ गई। सो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग लिखते जाइएगा कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन एनर्जी कंजर्वेशन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन टू एक्ट 2001। एनर्जी ऑडिट क्या है? इट इज द वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनर्जी यूज दैट ऑल्सो इंक्लूड्स राइटिंग अ टेक्निकल रिपोर्ट कंप्राइजिंग सजेशन फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विथ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड एक्शन प्लान टू लोअर एनर्जी कंजम्पशन। तो ये है हमारी एनर्जी ऑडिट जो कि डिफाइन करी गई है अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2001। कौन सा एक्ट? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है। सो जनरल फिलोसॉफी की अगर मैं बात करता हूं तो एक तरीके से एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि एनर्जी ऑडिट क्या है ना? तो एनर्जी ऑडिट क्या है तो वो मैं आपको अभी एज पर द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरे तरीके से अगर मैं बताना चाहूं तो एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एक तरीके की अप्रोच है जो कि एग्जिस्टिंग हमारी एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न क्या है उसको एक तरीके से क्या करता है, कैप्चर करता है, और उसके अंदर के जो लूप होल्स हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है उसको क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है, और हमें उस लूप होल को भरना है, उस डिसएडवांटेज को हमें कम करना है, और उसकी वजह से हमको एनर्जी सेव करनी है, और साथ साथ में हमारी जो कॉस्ट, जो भी उसकी इफेक्टिव कॉस्ट रहेगी उसको भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी ऑडिट का यूज करते हैं और इसी को हम लोग एनर्जी ऑडिट कहते हैं। ठीक है। एक और तरीका है एनर्जी ऑडिट को डिफाइन करने का कि एनर्जी ऑडिट इज अ सर्वे, एक तरीके का सर्वे है दैट डन बाय दी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनर्जी प्रोफेशनल्स, जो कि किस तरह किसके द्वारा किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर कोई हमारा इंजीनियर हो जो कि एनर्जी प्रोफेशनल कहा जाता है, उसके द्वारा हमारी एनर्जी ऑडिट करी जाती है। ठीक है। उसके द्वारा हमारा एनर्जी सर्वे किया जाता है। नाउ एनर्जी ऑडिट के बारे में तो मैं आपको बता दिया, अब कौन सी मेजर एंटिटीज है जो कि हमारी अच्छे एनर्जी ऑडिट में काम आती है। तो अभी ये आपकी कुछ फिगर है जो कि हमारी मेजर एंटिटीज है जो कि गुड एनर्जी ऑडिट के अंदर हमारी इन्वॉल्व की जाती है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है उसका इनिशियल रिव्यू। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं आप लोगों को हाईलाइटर के द्वारा बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है आप लोगों का इनिशियल रिव्यू। ठीक है। इनिशियल रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप
एज अ एनर्जी प्रोफेशनल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गए, एनर्जी ऑडिट करने गए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका काम क्या रहेगा एज अ प्रोफेशनल? आप स्टार्टिंग में जो उसके प्रीवियस के जो भी डेटा है वो आप अपने पास मंगवाएंगे, ठीक है, वो होगा हमारा, क्या होगा हमारा, इनिशियल रिव्यू, जिसके अंदर एक और चीज इन्वॉल्व होगी, इनिशियल रिव्यू में एक और चीज इन्वॉल्व होगी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका एक मैप मंगवाएंगे, और मैप के अंदर मैप कौन सा मैप मंगवाएंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मैप है, जो वायरिंग डायग्राम हम जिसे कहते हैं वो मंगवाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसका लोड कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब जो होगा वो उसका इनिशियल रिव्यू में आ जाएगा। अब आफ्टर द इनिशियल रिव्यू हमारे पास तीन फेज रहने वाले हैं। सबसे पहला फेज हमारा रहेगा मैनेजमेंट अप्रोच का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट अप्रोच ही डिसाइड करता है कि आगे की एनर्जी पॉलिसी या फिर आगे का एक्शन प्लान या फिर आगे की एनर्जी स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। तो आफ्टर द मैनेजमेंट अप्रोच हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है, जो प्रीवियस एनर्जी पॉलिसी थी, उसके अंदर के लूप होल ढूंढने के मदद करती है। एक बार वो लूप होल हमारे हाथ में आ गए, हमको पता चल गई कि इसमें ये और कुछ ये तकलीफ है, तो हम लोग उसकी एनर्जी पॉलिसी उस लूप होल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और हमारी एनर्जी स्ट्रेटजी जो है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हमारी एनर्जी पॉलिसी बन गई, फिर पॉलिसी बनने के बाद उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो चीज़ हम लोग एनर्जी स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका एक्शन प्लान आएगा, और लास्ट में मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू भी एक बहुत ही कह सकते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, क्योंकि ये एक एज अ फीडबैक के तौर पे काम करता है कि मैनेजमेंट आपका रिव्यू करेगा कि आपने जो न्यू एनर्जी पॉलिसी बनाई है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है या फिर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक एज अ फीडबैक के तौर पे हमारा मैनेजमेंट रिव्यू काम करेगा। तो ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक मेजर एंटिटीज है जिसमें हम लोग इनिशियल रिव्यू, मैनेजमेंट अप्रोच, एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान और मैनेजमेंट रिव्यू, इतनी चीजें हम लोग अच्छे एनर्जी ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी ये तो बात हो गई हमारे एनर्जी ऑडिट की, डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ गई एनर्जी ऑडिट की, सो व्हाई वी नीड एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट। तो चलिए, क्यों हमें जरूरत पड़ गई एनर्जी ऑडिट की और उसके मैनेजमेंट की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा टू यूज एनर्जी इन ऑप्टिमम मैनर, कि हमारा जो एनर्जी है उसका हम लोग कम से कम और सारी की सारी एनर्जी का हम लोग क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, ये हमारी एनर्जी ऑडिट की नीड है सबसे पहली। दूसरी नीड क्या है, दूसरी नीड है हमारी टू हैव लोअर एनर्जी कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड इट्स क्वालिटी, ठीक है। दूसरी नीड क्या है कि हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो उसके एनर्जी के प्रोडक्शन और एनर्जी की क्वालिटी को अफेक्ट करे बिना हम लोग उसको रिड्यूस कर सके, कम कर सके, इसीलिए हमें एनर्जी ऑडिट की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट हमारा यह है टू हैव लोअर एनर्जी वेस्ट विदाउट डिस्टर्बिंग
विदाउट विदाउट डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग प्रोडक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड इट्स क्वालिटी। यह हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कि एनर्जी ऑडिट और जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है कि हमें अगर मान लीजिए किसी एंटिटी का हमें मेंटेनेंस करना है और उस मेंटेनेंस को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, एनर्जी ऑडिट से। ओके, ये पॉइंट एक और है पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ लेकिन ये एक भी एक पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, हम लोग एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट से कुछ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस किस चीज में वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ बाय, चलिए एक पॉइंट ये लिख लेते हैं हम लोग, बाय कैरिंग आउट एनर्जी ऑडिट मैनेजमेंट वी कैन फाउंड वेरिएशन इन। किस किस चीज में वेरिएशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहला एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट में हम लोग वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी। थर्ड वन हम लोग कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। और फोर्थ वन हम लोग लगा सकते हैं कि हम लोग कौन से इक्विपमेंट का यूज करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में लिखता हूँ यूज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स, ये हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे चार पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए, एक पांचवा जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर कोई एंटिटी का मान लो मेंटेनेंस करना है तो उस मेंटेनेंस को किस तरीके से अप्रोच करना है वो हम लोग एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट से पता कर सकते हैं। तो हमने पांच पॉइंट डिस्कस किए। पांचवे पॉइंट के बाद हमारा एक और पॉइंट रहेगा कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस हो रही है या फिर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, और उसका इफेक्ट, उसका कॉस्ट पे इफेक्ट क्या होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑडिट और उसके मैनेजमेंट से पता कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट हो गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू एक्सेस फिजिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड देयर इफेक्ट। ऑन कॉस्ट वेरिएशन, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, मान लो हम लोग एज ए एनर्जी प्रोफेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऑडिट करने गए, वहाँ का हमने ऑडिट किया तो हमें एक एनर्जी मैनेजमेंट का एक बिहेवियर पैटर्न हमें पता चलेगी वहाँ से ऑडिट करने से। और एक बार हमारे पास हमारा मैनर आ गया कि किस तरीके से आपका एनर्जी यहाँ पे बच रही है या कंजर्वेशन हो रहा है या आप क्या चीज इंप्लीमेंट करके उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग ऑडिट से फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमने ऑडिट से ही फाइंड आउट किया उसको, तो इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर
जो कि हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ, टू फाइंड आउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक और चीज हम लोग यहाँ पे, एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से वर्क करती है, वो भी हम लोग एनर्जी ऑडिट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बताया। तो वो एक पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि टू फाइंड आउट एनर्जी एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। फिर इसके अलावा हम लोग क्यों हमें एनर्जी ऑडिट की जरूरत पड़ गई, टू फाइंड आउट द बेंचमार्क फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि हमें किस में मदद करता है, प्लानिंग करने में। किस चीज की प्लानिंग, एनर्जी को कंजर्वेशन, किस तरीके से एनर्जी को हमें यूज करना है, उसे कंजर्व करना है। तो ये पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट बेंचमार्क फॉर एनर्जी मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू डू प्लानिंग। इसके अलावा टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसीज एंड रिड्यूस द एनर्जी यूसेज, इसके लिए भी हमारा ऑडिट जो है वो काम आता है, हमें जरूरत पड़ती है। टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसीज एंड रिड्यूस एनर्जी यूसेज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स हमारे, हमको एनर्जी ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ गई, उसके मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई, वो हमें बताता है। ओके, तो नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट के बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है एनर्जी मैनेजमेंट के, है ना। तो उसके कुछ मैं आपको यहाँ पे पांच ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, पांच ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और एक एक करके उसको हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड एनर्जी सेविंग प्लान, है ना। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट का, कि हम लोग एनर्जी को किस तरीके से बचा सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अभी रियल वर्ल्ड में देख ही रहे हैं कि हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है ना। तो एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए उसको एक प्रॉपर जगह पे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं और उसको हम लोग सेव कर सकते हैं, ये सब का प्लान हमें बनाना जरूरी है, जो कि कब हमारा सफल होगा, जब हम लोग उसको एनर्जी को मैनेज करेंगे या फिर उसका ऑडिट करके फिर उसका मैनेजमेंट करेंगे, तब जाके हमारा एनर्जी सेव होगी। तो यही एक पहला मेन ऑब्जेक्टिव है एनर्जी मैनेजमेंट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप्ड न्यू आइडियाज। कैसे, तो देखिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन के जो तरीके हैं वो चेंज होते जाएंगे। चेंज किस तरीके से हुए, क्यों हुए, क्योंकि साइंटिस्ट और जो रिसर्चर है या फिर एनर्जी प्रोफेशनल है, वो क्या करेंगे,
उस पे रिसर्च करेंगे कि भाई किस किस तरीके से हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो रिसर्च करते करते हमारे कुछ न्यू आइडियाज जो हैं वो कि हमारे डेवलप होने वाले हैं, और उस डेवलपमेंट का असर जो है हमको देखने को मिलेगा एनर्जी सेविंग पे। तो न्यू आइडियाज को डेवलप करना भी एक एनर्जी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। थर्ड है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें एनर्जी की डिमांड कुछ होती है, तो वो एनर्जी की डिमांड को हमको कम से कम एनर्जी की डिमांड करना और ज्यादा से ज्यादा उस एनर्जी को यूज करना, ताकि क्या हो सके, जो हम लोग उस एनर्जी यूजेज का जो कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं उसका हमको क्या मिल सके, एक प्रॉपर वे मिल सके कि हाँ भाई हमने जो भी पैसा खर्च किया है वो पैसा वर्थ है, ऐसा नहीं हो कि पैसा हमारा वेस्ट जाए, है ना। और एक तरीके से हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि भाई ये जो नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है इसमें आपको इतने से लेके इतने के बीच में एनर्जी कंजम्पशन होगा और आप इतना एनर्जी बचा सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है एनर्जी मैनेजमेंट का। चौथा ऑब्जेक्टिव जो है वो है एक्शन प्लान को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर एक्शन प्लान। जैसा कि हमने पहले देखा था मेजर क्वांटिटी मेजर हम लोग जो एंटिटीज पढ़ी उसके अंदर हम लोग का जो एक पार्ट था एनर्जी पॉलिसी का, है ना, वो एनर्जी पॉलिसी हमने क्या किया था, हमने उसमें एनर्जी पॉलिसी के हमने लूपहोल ढूंढ के नई एनर्जी पॉलिसी बनाई थी, और उस नई एनर्जी पॉलिसी को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, और वो एग्जीक्यूट कुछ प्रॉपर वे में हो जाए इसलिए हम लोग कुछ उसकी एनर्जी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं एक्शन प्लान। तो अकॉर्डिंग टू हमारा एग्जीक्यूशन हमें एक एक्शन प्लान बनाना रहता है, जो कि हमें किस तरीके से मिलता है, जब हम लोग एनर्जी ऑडिट करते हैं और उसका हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तब। तो एनर्जी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हमारा एक्शन प्लान बनाना भी हो जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका हमारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये किस तरीके से आता है काम, क्यों ऑब्जेक्टिव है ये? तो देखिए हमारी कोई न्यू एनर्जी पॉलिसी आई तो उस न्यू एनर्जी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना रहता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल की हेल्प लगती है और उन प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहले। तो प्रोफेशनल को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है हमें, उसका जो उसका भी एक एक्शन प्लान बनता है, तो वो जो एक्शन प्लान है उसको डेवलप करना वो कैसे संभव है, जब हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे, एनर्जी का ऑडिट करेंगे, उसके बाद हमारा एक्शन प्लान बनेगा, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, पूरा ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनेगा। तो इस तरीके से हमारे ये जो है पांच मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमको एनर्जी ऑडिट में जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो अभी तक हमने सबसे पहले तो एनर्जी ऑडिट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट देखा हमने, उसके डेफिनेशन देखी। दूसरा हमने क्या देखा कि गुड एनर्जी ऑडिट के लिए क्या क्या मेजर एंटिटीज चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट की जरूरत क्या पड़ी और क्यों हमें चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एनर्जी मैनेजमेंट के।
इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो जनरली एनर्जी ऑडिट के दो टाइप हैं। मैं यहाँ पे आपको एक फिगर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ और साथ साथ में उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा कि हमारा ऑडिट का टाइप जो मैं यहाँ पे लिखे हैं वो क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहला और जो जनरली एनर्जी ऑडिट जो होते हैं वो दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है उसका वॉक थ्रू ऑडिट, या फिर हम इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी ऑडिट। तो प्रिलिमिनरी ऑडिट और वॉक थ्रू ऑडिट ऑडिट ये क्या होता है, एक सिंपल क्विक और कम खर्चे वाला, लेस एक्सपेंसिव जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक तरीका है ताकि हम लोग क्या कर सके, ऑडिट कर सके, एनर्जी का इवेल्यूशन कर सके और साथ साथ में एनर्जी सेविंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है वो हम लोग फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वॉक थ्रू ऑडिट में, ये हम लोग लिख सकते हैं कि उसको हम लोग प्रिलिमिनरी ऑडिट भी कह सकते हैं, या फिर और भी इसके नाम से जैसे कि स्क्रीनिंग ऑडिट, सिंपल ऑडिट, है ना। तो टोटल चार नाम हो गए। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लग सकते हैं कि वॉक थ्रू जो ऑडिट है वो बहुत ही सिंपल, क्विक और लेस एक्सपेंसिव तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ साथ में उसको सेविंग की अपॉर्चुनिटीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो ये थर्ड पॉइंट लिखना, आप लोग थर्ड पॉइंट आप लोग लिखते रहना साथ साथ में। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जनरली वॉक थ्रू के लिए हमारे पास दो सोर्स ऑफ डेटा की जरूरत जरूरत होती होती है। है। सबसे पहला सोर्स ऑफ डेटा होता है हमारा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सर्विंग यूटिलिटी सिस्टम। तो ये दो जनरली दो सोर्स यूज होते हैं जब हम लोग वॉक थ्रू ऑडिट करने जाते हैं तब। इससे वॉक थ्रू ऑडिट के लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की की भी भी जरूरत होती है कि हम लोग जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऑडिट करने वहाँ का प्रीमाइसिस कितना बड़ा है, वहाँ का हमारे पास एक तरीके से वायरिंग डायग्राम होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, है ना, ये सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो जो है है वॉक वॉक थ्रू थ्रू का का हमको हमको प्रोसीजर प्रोसीजर पता पता होना होनी चाहिए। चाहिए। तो तो क्या क्या है है प्रोसीजर? प्रोसीजर? तो तो सबसे सबसे पहला पहला स्टेप स्टेप जो जो है है वॉक वॉक थ्रू थ्रू के के अंदर अंदर वो वो है है हमारा हमारा रिव्यू रिव्यू ऑफ ऑफ एनर्जी एनर्जी बिल। बिल। रिव्यू रिव्यू करना करना चाहिए चाहिए हमें हमें पुराने पुराने एनर्जी एनर्जी बिल्स बिल्स का, का, प्रीवियसली प्रीवियसली जो जो हमारे हमारे एनर्जी एनर्जी बिल्स बिल्स हैं हैं उसका उसका रिव्यू रिव्यू करना करना चाहिए। चाहिए। और और एक एक तरीके तरीके से से हमें हमें क्या क्या करना करना चाहिए, चाहिए, उसका उसका एक एक ब्यौरा ब्यौरा बनाना बनाना चाहिए, चाहिए, एक एक हम हम लोग लोग कह कह सकते सकते हैं हैं कि कि एक एक पूरा पूरा साल साल का का हमें हमें प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर का का पूरा पूरा हमें हमें डेटा डेटा हमको हमको हमारे हमारे पास पास होना होना चाहिए। चाहिए। दूसरा दूसरा स्टेप, स्टेप, दूसरे दूसरे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग डेटाज डेटाज भी भी हमारे हमारे पास पास अवेलेबल अवेलेबल होने होने चाहिए चाहिए कि कि आपका आपका मीटर मीटर एक एक साल साल के के अंदर अंदर कितनी कितनी बार बार बिगड़ा बिगड़ा या या फिर फिर अदर अदर सारी सारी चीजें। चीजें। ओके, ओके, और और तीसरा तीसरा स्टेप स्टेप कि कि हमें हमें पूरे पूरे प्रिमाइसिस प्रिमाइसिस का, का, जहाँ जहाँ पे पे हम हम लोग लोग ऑडिट ऑडिट करने करने जा जा रहे रहे हैं हैं उसके उसके पूरे पूरे प्रिमाइसिस प्रिमाइसिस का का हमें हमें क्या क्या करना करना है, है, एक एक जायजा जायजा लेना लेना है ना है कि कि भाई भाई इनसफिशियंट इनसफिशियंट एरियाज एरियाज कौन कौन से से हैं हैं जहाँ जहाँ पे पे हम हम लोग लोग एनर्जी एनर्जी वेस्ट वेस्ट कर कर रहे रहे हैं हैं और और उसे उसे हम हम लोग लोग कम कम कर कर सकते सकते हैं, हैं, रिड्यूस रिड्यूस कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो ये ये कुछ कुछ तीन तीन प्रोसीजर प्रोसीजर थी थी जो जो कि कि हम हम लोग लोग वॉक वॉक थ्रू थ्रू जब जब हम हम लोग लोग ऑडिट ऑडिट करते करते हैं हैं तब तब अपनाते अपनाते हैं, हैं, तब तब हमें हमें अपनानी अपनानी चाहिए। चाहिए। वॉक वॉक थ्रू थ्रू तो तो सबसे सबसे इजी इजी है, है, सबसे सबसे बहुत बहुत ही ही लेस लेस एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है, है, ये ये तो तो आप आप लोगों लोगों को को मैं मैं पहले पहले ही ही बता बता चुका चुका हूँ। हूँ लेकिन लेकिन एक एक इसका इसका डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये ये है है कि कि जो जो वॉक वॉक थ्रू थ्रू ऑडिट ऑडिट होता होता है है ये ये हमारा हमारा किसी किसी भी भी एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्वेशन के के लिए, लिए, फाइनल फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन के के लिए लिए हमें हमें कोई कोई भी भी मेजरमेंट मेजरमेंट डिसाइड डिसाइड करके करके नहीं नहीं दे दे सकता। सकता। ये ये हम हम लोग लोग कह कह सकते सकते हैं हैं कि कि हमने हमने ऊपर 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 से से हर हर एक एक चीज चीज देख देख ली, ली, डिटेल डिटेल में में हम हम लोग लोग यहाँ यहाँ पे पे गए गए नहीं नहीं है। है। इसीलिए इसीलिए वॉक वॉक थ्रू थ्रू जो जो है है वो वो हमारी हमारी हम हम लोग लोग कह कह सकते सकते हैं हैं कि कि बहुत बहुत ही ही सिंपल सिंपल तरीका तरीका है है एक एक तरीके तरीके से से ऑडिट ऑडिट करने करने का। का। नेक्स्ट नेक्स्ट जो जो टाइप टाइप है है वो वो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप टाइप है है हमारा हमारा डिटेल्ड डिटेल्ड ऑडिट, ऑडिट, जिसको जिसको हम हम लोग लोग जनरल जनरल ऑडिट ऑडिट कह कह सकते सकते हैं हैं या या फिर फिर इनसाइट इनसाइट ऑडिट ऑडिट, कह कह
कह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है फिगर में, है ना। ये जो है सिंपल ऑडिट, जो हमने वॉक थ्रू ऑडिट किया था, उसका एक्सपांशन है। ओके, डिटेल ऑडिट क्या करता है? डिटेल ऑडिट कोई भी सिस्टम ऑपरेशन का डिटेल के अंदर क्या क्या करता करता है, है? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गैदर गैदर करता है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन, जहाँ पे हम लोग वॉक थ्रू के दौरान हमको पता चला कि यहाँ से इस एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, वहाँ वहाँ से हम लोग डिटेल ऑडिट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कितना एनर्जी हम लोग वहाँ से बचा सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन डिटेल ऑडिट में कर सकते हैं। डिटेल ऑडिट जो होती है वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है? तो देखो, सबसे पहला कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है ना, बाय इनसाइट मेजरमेंट। दूसरा, फुल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी सिस्टम एंड बिल्डिंग। थर्ड वन, टेक्नो इकोनॉमिकल इवेल्युएशन ऑफ वन और मोर एनर्जी सेविंग मेथड स्पेसिफिक सिस्टम आफ्टर अ रेलेवेंट स्टडी। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है वो डिटेल ऑडिट हमारी क्या करती है, इन्वॉल्व करती है ना। डिटेल ऑडिट जो होती है वो हमारी तीन फेजेस में होती है। कौन से तीन फेजेस? सबसे सबसे पहला पहला फेज फेज जो है वो है उसका प्री ऑडिट फेज। प्री ऑडिट फेज यानी कि हम लोग कह सकते हैं उसे वॉक थ्रू, जो कि हमने प्रीवियसली कवर किया। दूसरा होता है हमारा ऑडिट फेज। ऑडिट फेज के अंदर जो हम लोग डिटेल ऑडिट करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, एक एक तरीके से हम लोग एक कच्चा सामान इकट्ठा कर रहे हैं ऑडिट ऑडिट फेज में, है ना। और थर्ड वन इज पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट के अंदर हम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल्स रहती है कि किस तरीके से आप लोग एनर्जी सेव कर सकते हैं, कौन सा एरिया आपका काम का नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी पोस्ट ऑडिट फेज के अंदर आती है। डिटेल ऑडिट के अंदर ऑडिटर ऑडिटर जो जो होता है वो यूटिलिटीज की जो बिल्स हैं उसको कलेक्ट करता है, और उसका एक उसका स्टडी करता है, उसको एनालाइज करता है, और वहां से वो क्या क्या चीजें निकालता है। तो जो यूटिलिटी बिल्स और उससे जो स्टडी किया, उससे वहां से एक तो सबसे पहले एनर्जी टैरिफ का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स पर किलोवाट आप कितना पे कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरा कि एनर्जी आप लोग कितना यूज करते हैं, एक एवरेज एनर्जी कंजम्पशन किसी भी इंडस्ट्री का, या आप जहां पे हम लोग ऑडिट करने गए वहां का एक एवरेज एनर्जी कंजम्पशन हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें क्या करता है, एक ऑडिटर कलेक्ट करता है जब वो डिटेल ऑडिट के लिए जाता है तब, है ना। यहाँ पे डिटेल ऑडिट के अंदर जो प्रॉपर मीटरिंग है ना, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका मीटर जो है वो फॉल्टी मीटर है, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो कहीं से लीकेज हो रहा है, तो आपका मोटर सॉरी मीटर जो है वो आपका गलत रीडिंग बताएगा बताएगा, और और आपका आपका गलत गलत रीडिंग रीडिंग बताने बताने के के कारण कारण क्या क्या होगा, होगा, ऑडिट ऑडिट में में गलती गलती हो हो सकती सकती है। है। तो तो एक एक प्रॉपर प्रॉपर मीटरिंग मीटरिंग करना करना किसी किसी भी भी सिस्टम सिस्टम की, की, वो वो यहाँ यहाँ पे पे मेजर मेजर रोल रोल प्ले प्ले करता करता है। है। ओके, तो ये कुछ थे हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, जिसके अंदर हमने दो टाइप कवर किए, एक तो वॉक थ्रू जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी ऑडिट, या फिर हम लोग स्क्रीनिंग ऑडिट, या फिर हम लोग इसे सिंपल ऑडिट भी कहते हैं, और दूसरा हमने किया डिटेल ऑडिट जिसको हम लोग जनरल ऑडिट या फिर इनसाइट ऑडिट भी कहते हैं। डिटेल ऑडिट क्या है? वॉक थ्रू का एक एक्सपांशन है ना। और और कितने कितने फेजेस फेजेज हैं हैं इसके? इसके? तीन तीन फेजेस फेजेज हैं। हैं। प्री ऑडिट, प्री ऑडिट में, प्री प्री ऑडिट ऑडिट किसको किसको कह कह सकते सकते हैं हैं हम हम लोग? लोग? वॉक वॉक थ्रू थ्रू को। को। दूसरा ऑडिट फेज। ऑडिट फेज क्या होता है आप लोगों का? कहीं भी प्रिमाइसिस में जाके आप लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं एनर्जी कंजम्पशन का। और थर्ड है हमारा पोस्ट ऑडिट, जिसके अंदर हम लोग एक रिपोर्ट राइट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। फिलहाल के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। आज हमने टोटल 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ओके, आई होप हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा
इसके आगे का वीडियो, तब आप लोग ये जो वीडियो है उसको एक बार रेफर करके आइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।